हेलो फ्रेंड्स, मैं वितेश और आप देख रहे हैं वितेश वर्मा का इंटेक्स सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई इंटेक्स का एक्वा ट्रेंड लाइट मॉडल हो और उसका टच और डिस्प्ले दोनों डैमेज हो जाए तो आप उसको कैसे बदलेंगे वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसका जो टच और डिस्प्ले है उसका प्राइस क्या है, रियल कॉस्ट क्या है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मैं आपको किसी भी मॉडल का, आपके पास कोई भी मॉडल हो, आप कोई भी यूज़ करते हो, ये सभी लोग यूज़रों के लिए है। कोई भी अगर आप मॉडल यूज़ करते हैं, अगर उसका टच स्क्रीन का प्रॉब्लम आता है या डैमेज होता है तो आप मुझसे उसका प्राइस पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रियल कॉस्ट बता सकता हूँ और आपको प्रोवाइड भी करा सकता हूँ। अगर आपको आपके इलाके में, आपके शहर में नहीं मिलता तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो मेरे इस वीडियो को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आज आपको बताऊंगा इंटेक्स एक्वा ट्रेंड लाइट का टच और डिस्प्ले जो डैमेज हो गया है उसको कैसे बदलेंगे। ये देखिए है ट्रेंड लाइट का डिस्प्ले, इसमें आपको यूज़ करना है T7000 पेस्ट, एक टूल्स, ये टच है, ये डिस्प्ले है और ये आपका सेट है। इसको मैं ओपन कर लूँगा, ओपन करके मैं इसका पूरा बैटरी और पैनल जो है बाहर निकालूँगा, क्योंकि ये बहुत ही पुराना मॉडल है और इसका जो बॉडी वॉडी होती है थोड़ी सी हो सकती है कि डैमेज हो गई है तो टूट जाती है कभी कभी। तो देखिए, मैं इसको पूरे स्क्रू को एक बार पूरा खोल लेता हूँ और खोलने के बाद हमें क्या करना है, पूरा का पूरा इसका टच और डिस्प्ले है चेंज करना है। हम इसके टच और डिस्प्ले को निकालने के लिए हीटिंग मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये पहले से ही थोड़ा सा ब्रेक हो गया है तो ओपन हो चुका है, तो मैं इसे खींच के ही निकाल दूँगा और बहुत ही टेक्निकल तरीके से निकालने की कोशिश नहीं करूँगा, बस खींच खाँच के मैं निकाल दूंगा। इसमें आप देख लीजिएगा, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, ये इसका पैनल है पीछे का, ये जो कि टूट चुका है और इसका इधर दो पैनल निकाल दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं तो मोबाइल रिपेयरिंग में आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल रिपेयरिंग एकदम बिंदास करिए, सीखिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, अच्छे इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं, वरना आप मेरी वीडियो देख के ही नॉर्मल सीख लीजिए, क्योंकि मैं नॉर्मल वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आप जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। देखिए, ये है पत्ता डिस्प्ले का, मैं इसको निकाल दे रहा हूँ और सर्किट निकालते वक्त अगल बगल ज़रूर देख लीजिएगा कि कहीं आपकी सर्किट डैमेज ना हो। मैं मेटल टूल्स का यूज़ कम करता हूँ क्योंकि कभी कभी उससे सर्किट डैमेज हो जाती है झटके से और फिर शॉर्टिंग आ जाती है, तो मैं सारा हैंड का यूज़ करता हूँ और टूल्स का यूज़ करता हूँ स्क्रू खोलने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आपका मैं डिस्प्ले जो है निकलने के बाद यहाँ पर देखिए तो टाइट है इसका, ये आप देख सकते हैं। तो इसका हम लोग निकाल रहे क्योंकि ये डैमेज हो जाता है कभी कभी। ये देखिए, ये पत्ता है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम पावर की सब पत्ता है, उस पत्ते को बचा के निकालना होगा, फट जाएगा जिससे डैमेज हो जाएगा तो फिर आपको रिपेयरिंग करने में दिक्कत होगी। ये देखिए, पूरा का पूरा इसका सर्किट बाहर आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसके फ्रेम को जो है, ये आगे वाला पूरा फ्रेम कम्प्लीट है, इसको हमको निकालना है। देखिए, ये टूटा हुआ है थोड़ा सा स्क्रू यहाँ पर बॉडी इसकी, तो इसके हमें बॉडी को अच्छे से करके निकाल देना है क्योंकि ये बॉडी जो इसकी है डैमेज है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये देखिए, पूरा पूरा फ्रेम है, हमने निकाल दिया खींच के। यहाँ पे आप हीटिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने नहीं किया, मैं वहाँ पर स्क्रू डाल के ही खींच दिया, बाहर आ गया है। उसके बाद सारा जो उस पर इसका कांच ग्लास लगा होगा उसको हमें सफाई करनी होगी, सफाई करके इसको पूरा का पूरा इसमें फिर नया फ्रेम फिट करना पड़ेगा। देखिए, ये पूरा हो गया है। अब यहाँ पर अब हमें इस टच को इसमें लगाना है, चेक करना है, पहले डिस्प्ले चेक कर लेंगे। कोई भी डिस्प्ले और टच को फिट करने से पहले कंप्लीट एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वारंटी कवर होती है और अगर आपका सेट डिस्प्ले लाते हैं कहीं डैमेज होगा और अगर आप स्टिकर हटा देते हैं तो वारंटी आपकी हट जाएगी। इसलिए आप थोड़ा सा यूज़ करते वक्त जैसे फिटिंग कर रहे हैं तो ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका डिस्प्ले टच वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे कि अगर आप मार्केट से लाए तो आप इसको एक्सचेंज कर सकें। तो देखिए, मैं डिस्प्ले लगा दे रहा हूँ, डिस्प्ले लगा के फिर टच का यूज़ करूँगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप मुझे मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर 7706017317060173317, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, कॉल मैं उठाता नहीं हूँ जल्दी। आपको अगर मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है बेसिक तरीके से तो मैं आपको बता सकता हूँ। आने वाले समय में मैं उसका पूरा ट्यूटोरियल बनाऊँगा, आपको
पैसा कमाना है, क्योंकि आज के डेट में आपके पास एक हुनर होना चाहिए जिससे कि आप कुछ अर्निंग 400-500 रुपए पर डे कर सके, क्योंकि कम समय में कम मेहनत में आप मोबाइल रिपेयरिंग से पैसा कमा सकते हैं और नाम भी बना सकते हैं, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग एज अ बेस्ट इस वक्त मार्केट में है। आप क्योंकि सारी कंपनियां मोबाइल बना रही हैं, आने वाले समय में सारे काम मोबाइल से ही हो रहे हैं, तो इसलिए आपको मोबाइल रिपेयरिंग आएगा तो आप एक अच्छा पैसा अर्निंग करके अपने घर को चला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका टच डिस्प्ले मैंने लगा दिया है, उसके बाद ये मैं गोंद लगा रहा हूँ। ये T7000 है, ब्लैक कलर का, ये बहुत ही अच्छा होता है। इसका यूज़ करने से क्या होता है कि जो टच है आपका एकदम प्रॉपर फिट हो जाता है और बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। गोंद बहुत सारे आते हैं टूल्स, लेकिन वो अच्छी फिटिंग नहीं देती है। आप जब भी लीजिएगा ब्लैक कलर की जो गोंद आती है T7000 वो लीजिएगा, वाइट वाली में अब वो बात नहीं रह गई है। ब्लैक वाला एकदम एक बार में फिट हो जाता है, तुरंत सूख जाता है। देखिए मैंने लगा दिया है, अब क्या करेंगे, अब स्टिकर हटाकर मैं इसका टच अंदर डाल के इसको पूरा फिट कर दूंगा। देखिए मैं इसके अंदर पहले डाल दूंगा, ये देखिए यहाँ से डालने के बाद हम लोग पूरा इसको खींच देंगे, क्योंकि प्लास्टिक है, प्लास्टिक हटा देना चाहिए। प्लास्टिक हट के, क्योंकि अंदर से प्लास्टिक लगी होती है, वो प्लास्टिक हटा दीजिएगा जिससे कि आपका जो सेट है वो एकदम प्रॉपर वर्क करे। और ये बहुत ही आसान है, इसका फोल्डर भी आता है, फोल्डर आप ले सकते हैं, और ये टच डिस्प्ले भी आता है। मैं फोल्डर इसलिए नहीं लगाता हूँ क्योंकि इसमें जिसमें टच डिस्प्ले आते हैं मैं इसलिए लगाता हूँ कि टच जो निकले टूटेगा अगर बाई चांस तो कम पैसे में बन जाएगा, और फोल्डर का पैसा थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। 800 रुपये अगर आपका टच टूट जाए तो लगभग हम लोग 700-800 रुपये ले लेते हैं, और टच और डिस्प्ले अलग अलग होते हैं तो 300-350 रुपये में हम लोग बना देते हैं। तो आप देख सकते हैं तो डिस्प्ले और इसका दोनों है, कंबाइंड है, इसका मैंने चेक किया है। और इसका जो मैं प्राइस बता दूँ, इसका जो प्राइस है टच का, ये 170 रुपये का टच है और 540 रुपये का आपका इसका ये डिस्प्ले है। इन दोनों कॉस्ट मिला के आपको लगभग 700 रुपये पड़ जा रहा है। हम लोग इसकी फिटिंग चार्ज 300-400 रुपये लेते हैं, मतलब 1000 रुपये से लेके 1100 रुपये तक हम लोग लेते हैं। आप भी मार्केट में कहीं बनवाने जाएंगे तो आपको भी इतना ही पे करना होगा, और लेकिन मैंने जो क्वालिटी लगाई है टच की वो अच्छी है। इसके सस्ती टच भी आती है 110-120 रुपये की, पर वो टच एकदम बेकार होता है। आप जब भी हो दुकानदार पे थोड़ा ट्रस्ट करके अच्छी चीज़ लगाने की बात करिए, कहिए कि मैं पैसा दे रहा हूँ अच्छा तो सामान भी अच्छा ही लगाइए, क्योंकि बहुत से दुकानदार पैसा कमाने के चक्कर में सामान अच्छा ही लगाते हैं और ज़्यादा पैसा भी ले लेते हैं। तो देखिए ये आपके लिए पूरा फिटिंग, जब मैंने टच फिट कर दिया है डिस्प्ले तो फ्रेम में हमें ये पूरा फिट करना है सही से, और ये फ्रेम में फिट करते हुए एकदम सावधानी बरती है, क्योंकि अगर आपका ये डैमेज होगा बेल्ट वायर तो फिर आपका पैसा ज़्यादा लग जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ये देखिए पूरा इंटेक्स एक्वा ट्रेंड लाइट का जो है फिटिंग है। अब इसमें थोड़ी सी वीडियो बनाने में दिक्कत है, क्योंकि सेट बनाते वक्त मैं सेट जो है बना के उसको भी सेल भी करना है हमको, मतलब कस्टमर को देना है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पीछे आगे पीछे हो जा रहा है। बाकी अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, और बहुत अच्छा है। अगर आपको सीखना हो सेट खोलना अपना, आप अपना सेट खोलिए, सीखिए। सेट में कुछ होता नहीं है खास, ज़्यादातर इशू आती है माइक की, चार्जिंग की, स्पीकर की, बैटरी की, नेटवर्क की, इन सब चीज़ों की होती है, और ज़्यादातर आजकल बड़े मॉडल है तो टच डिस्प्ले चेंज करने की। तो अगर आप सिर्फ टच डिस्प्ले चेंज करना भी सीख सकते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर टच और डिस्प्ले चेंज करने के लिए ही आता है। अगर आपको फ्रेम खोलना, बॉडी खोलना अच्छे से आ जाए तो फिर आप अच्छे से मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं, आप हम लोग चैनल पर देख सकते हैं, हम लोग से रिलेटेड किसी भी मोबाइल चैनल को देख सकते हैं, क्योंकि आज ऑनलाइन हम लोग आपको एक सुविधा दे रहे हैं जिससे कि आप लोग तक ये मेरा वीडियो पहुंच जाए और आप कुछ सीख सकें। ये देखिए मैंने सेट में सारा फिटिंग कर दिया, अब ये ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद हम इसकी टेस्टिंग ले लेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
देखिए आपके सामने ही है, सारा पूरा फिटिंग हुआ है और बहुत ही अच्छा सेट है ये इंटेक्स एक्वा ट्रेंड लाइट। बहुत ही पुराना मॉडल है लेकिन इसकी क्वालिटी एक नंबर की थी। तो आप देख सकते हैं इंटेक्स एक्वा ट्रेंड लाइट। अगर आपके पास इंटेक्स एक्वा ट्रेंड लाइट का फोल्डर हो या सेट हो, डैमेज हो गया है फोल्डर, तो आप हमारे शॉप जस्ट मोबाइल बड़ी फेरी पे आइए, मैं वहाँ पे सर्विस कर दूँगा। हम लोग 1100-1200 रुपये में इसको बना देंगे पूरा कंप्लीट अच्छे से। ये देखिए आपका पूरा ऑन हो गया। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि ये मेरा टच जो है ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कस्टमर को देते वक्त हम लोग चेक कर लेना चाहिए कि आपका जो टच है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पर मैं बटन दबा रहा हूँ तो पूरा का पूरा ये कीपैड आपका जो काम कर रहा है आगे पीछे सब। दोस्तों मेरे चैनल अवितेश फॉर्म लगन टैक्स दोस्तों को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए ये ख़राब वाला भी साइड में है। धन्यवाद दोस्तों।